जी अस्सलाम वालेकुम सामिनो नाज़रीन, नदीम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना 55 जो है वो योम तासीस यहां पर सेलिब्रेट किया है, और पार्टी क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने इस अज़म का अदा किया है कि शहीद भुट्टो के मिशन को और उनके विजन को आगे लेकर चलेंगे, और इसी तरह जो है पाकिस्तान को इस वक्त जो वहाँ पर मायूसी है और जो मुसाइब हैं मुश्किलात को दूर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अपना किरदार अदा कर सकती है। हम दीगर जो अमायदीन हैं कायदीन हैं उनके एहसासात ख्यालात और जज्बात जानते हैं, हमारे साथ रहिए। आज पाकिस्तान पीपल पार्टी मिडलैंड योम तासीस बना रही है। आज 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल पार्टी की लाहौर में बुनियाद रखी गई थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी जब पीपल पार्टी की हुकूमत भुट्टो साहब उसके वज़ीर आज़म बने तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सबसे पहले 73 का आइन दिया पाकिस्तान को। 25 साल तक पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था, ये सब कारनामा पीपल पार्टी का है। और पीपल पार्टी भुट्टो साहब शहीद ने पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से पाकिस्तान के जितने भी उलमा थे उनसे मशावरत करके, जितने भी सियासी लीडर थे उनसे मशावरत करके ये 73 का आइन जो तैयार किया। आज पाकिस्तान में 73 का आइन है वो इस्लामी आइन है। उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया, ये पीपल पार्टी का कारनामा है। जब पीपल पार्टी ने पाकिस्तान को एटमी कुवत बनाया ये पीपल पार्टी का कारनामा है। जो लोग ये कहते हैं 73 का आइन तसद्दम है, वो 73 का आइन ठीक नहीं है, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, उनके बुज़ुर्गों ने ही पाकिस्तान बनाने में पार्ट अदा किया और उनके बुज़ुर्गों ने ही 73 के आइन को तस्लीम किया और बनाने में भी वो 73 का आइन वो बुज़ुर्ग थे। मैं खराज तहसीनिक पेश करता हूँ कि भुट्टो साहब को जिन्होंने पाकिस्तान को 73 का आइन दिया और पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने उसको मुश्तरका तौर पर मुतफिक तौर पर मंजूर किया कि पाकिस्तान का ये एन जी है। उसमें इस्लामी झलक आती है जो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान ये इसने जो रियासत मदीना क्या रियासत मदीना यो जो स्टेट में जो नाचने वाली औरतों का वे यश सियासत मदीना है। सियासत मदीना का मतलब क्या है वो भुट्टो साहब ने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान कहीं हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नाप है। आप ये सोच लें, ये थिंक कर लें कि जो लोग ये कहते हैं कि ये रियासत मदीना बनाएंगे वो गलत हैं, वो नहीं बना सकते। इसको जो स्ट्रीटों पर डांस कराते हैं मुजरे कराते हैं वो लोग क्या रियासत मदीना में यही थी चीज़ थी। जो पीर ये कहते हैं कि ये इन ठीक नहीं है वो उनके जो बड़े बडेरे थे वो खालस मजहबी लोग थे, वो इस्लाम को समझते थे। उन्होंने इस इस्लाम के प्लेटफार्म से उसने भुट्टो साहब की क़यादत में उन्होंने ये 73 का आइन बनवाया है। मैं खराज तहसीन उन लोगों को पेश करता हूँ, भुट्टो साहब को पेश करता हूँ। आज पूरी दुनिया में योम तासीस जो है वो मनाया जा रहा है और आज के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम तले इस बात का अहद किया है कि हम भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के मिशन को लेकर आगे चलेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्तकिम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरियों को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम को उनका हक मिल के रहेगा। आज हम खराज अकीदत पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं अपने चेयरमैन बुलावल भुट्टो साहब को जो भुट्टो शहीद के मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के योम तहसीस के मौके पे हम इस चीज़ का ऐद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन पे चल के नज़रियात को लेके आगे चलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आने वाले टाइम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान को इन हालात से निकालेगी। हम बर्मिंघम में योम तहसीस मना रहे हैं और सब जियाले पीपल पार्टी के यहाँ आए हुए हैं। हम अपना सलाम पेश करते हैं भुट्टो को जिसकी वजह से हम यहाँ उनका मिशन जारी रख रहे हैं। जो उनका मिशन था वो रोटी कपड़ा मकान और वर्किंग पीपल के लिए था, जो कि अब भी वही मिशन जारी है। जो भी नए आते हैं पुराने आते हैं वो ट्राई करते हैं, लेकिन भुट्टो का जो मिशन था वो एब्सोल्युटली वाज ग्रेट एंड वी स्टिल डूइंग इट। आज के दिन हम ऐड करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पर और विजन पर जारी और सारी रखेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में भी आएगी और आज़ाद कश्मीर में भी आएगी।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्क के भी हालात पीपल्स पार्टी आकर बेहतर कर देगी। आज मैं यौम तासीस के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, जियालों और यूथ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं और हम इस बात का यादा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तिरंगे के नीचे हम मुतहद मुनज़म रहेंगे और जमहूरियत की बहाली के लिए और मुस्तकम होने के लिए काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद यासिन के ख़िलाफ़ घटिया और बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल किया उसको कंडेम करता हूँ और उसको पैगाम देता हूँ कि एक शख्स, छोटा शख्स बड़े अहदे पर विराजमान तो हो सकता है पैसे की जोर पर, लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी है कि उसने कायदे कश्मीर और अवामी दिलों की धड़कन जनाब चौधरी मोहम्मद यासिन साहब के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की है, कारकुनों के दिलों को ठेस पहुँचाई है, उसकी भरपूर मजम्मत की जाती है और पैगाम देता हूँ कि अगर उसने अपनी जबान को लगाम ना दी तो आप बेहतरीन जवाब देना जानते हैं। आज हम बर्मिंघम में पीपल्स पार्टी का 55 यौम तासीस मना रहे हैं और आज हम इस चीज़ का अहद करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे और जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो के नाना ने जिस तरह पीपल्स पार्टी की आज से 55 साल पहले बुनियाद रखी, इसी तरह हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इसका मजबूत करके बिलावल को वज़ीर आज़म मुंतखब कराएँ और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकालें।